वेलकम टू माय चैनल सौरभ मेडिकल साइंस, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा काइलुरिया के अबाउट। ये काइलुरिया क्या है, इसके क्या काउज हैं, अगर कोई पर्सन काइलुरिया से सफर कर रहे हो तो उनमें क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है, इसके क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, क्या मैनेजमेंट होने चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट है। आइए फ्रेंड्स, तो आज बातें करते हैं काइलुरिया के अबाउट। द काइल पास थ्रू द यूरिन नोन एज काइलुरिया। जब पिशाव के साथ, यूरिन के साथ काइल पास कर रहा होता है उसे काइलुरिया कहते हैं। ये काइल जनरली लिम्फैटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये डेवलप होता है। नॉर्मली क्या होता है कि लिम्फ नोड में लिम्फ जो होते हैं वो लिम्फैटिक चैनल के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं, जो कि नॉर्मल अपने फंक्शंस करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं लिम्फ के, वो अपने नॉर्मली फंक्शंस करते हैं। अगर किसी कारण से लिम्फैटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता हो, ब्लॉकेज हो जाता हो, उस कंडीशंस में क्या होता है कि लिम्फैटिक ड्रॉपलेट जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में इंटर करके फिल्टर होकर के वो यूरिन के साथ पास होते हैं, उसे काइलुरिया कहते हैं। आइए बातें करते हैं कि इसके क्या काउज हैं, क्या कारण हैं जो ये काइलुरिया डेवलप होते हैं। फर्स्ट जो काउज है वो है एक पैरासाइटिक इंफेक्शन के कारण, वो चेरिया बेनक्रॉप्टी जो कि फाइलेरिया डेवलप कराता है। वो क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करके, ग्रोथ करके, वो लिम्फैटिक वेसल्स को, लिम्फैटिक चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। उस कंडीशंस में क्या होते हैं, लिम्फ जो है डायरेक्ट इंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में और फिल्टर होके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है और काइलुरिया डेवलप होता है। दूसरा जो कंडीशंस देखे जाते हैं वो है ट्यूमर। अगर किसी कंडीशन से ट्यूमर डेवलप हुआ हो, मेलिग्नेंट ट्यूमर के कंडीशंस में जनरली ये क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं और उस कंडीशंस में भी आपको काइलुरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है इंजरी। अगर इंजरी के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हो, तो उस कंडीशंस में भी आपको काइलुरिया मिल सकते हैं। लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, किसी कारण से लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी आपको काइलुरिया मिल सकते हैं। हाइड्रोसील या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, अगर किन्हीं को हाइड्रोसील है, प्रोस्टेट इनलार्ज है, उस कंडीशंस में क्या होते हैं, डायरेक्ट वे में वो यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगते हैं, जो कि काइलुरिया डेवलप होते हैं। ये हैं आपके कुछ कॉमन काउज जिससे कि काइलुरिया डेवलप होता है। आइए बातें करते हैं कि अगर कोई पर्सन काइलुरिया से सफर कर रहे हो तो उनमें क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेंगे, क्लाउडी एंड वाइटिस यूरिन, पूरा संघनित उसके यूरिन रहेंगे, पिशाव रहेंगे, वाइट उजला कलर के पिशाव रहेंगे उसके। वैसे पर्सन को पेन वाइल यूरिनेटिंग, पिशाव के करने के समय उसे दर्द भी होता है। लॉइन रीजन में भी पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग, उस एरिया में स्वेलिंग यानी कि सूजन भी देखने को मिलते हैं। काइलुरिया के कंडीशंस में आपको फीवर भी देखने को मिल सकता है। वीकनेस, कमजोरी, लेथार्जिनेस, कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं होता है, लेथार्जिनेस हो जाते हैं। वेट लॉस, इस कंडीशंस में आपको वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। ये हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको काइलुरिया के कंडीशंस में देखने को मिल सकते हैं। आइए बातें करते हैं कि अगर कोई काइलुरिया से सफर कर रहे हो तो क्या जांच कराने चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए इस कंडीशंस में। तो फर्स्ट आप आरई ऑफ यूरिन कराएं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कराएं, उसमें आपको काइल प्रेजेंट मिलेंगे। आपको रिपोर्ट में ग्रेड वाइज भी मिल सकते हैं, 1+, 2+, 3+, 4+, जैसे वो काइल जिस कंडीशंस में, जितने अमाउंट में वो पास कर रहे हो, वो आपको उस कंडीशंस में ग्रेडेड वाइज देखने को मिल सकता है रिपोर्ट में। नेक्स्ट है कि आप सीटी स्कैन या एमआरआई कराएं। अगर आपको कुछ ट्यूमर्स के कंडीशंस लग रहे हो, कुछ ट्यूमर्स हो, तो उस कंडीशंस में आप एमआरआई या सीटी स्कैन करा सकते हैं।
नेक्स्ट कंडीशंस जो हैं आप सीबीसी करा सकते हैं, सीबीसी के कंडीशंस में आपको इसिनोफिलिया इंक्रीज मिल सकता है। एमएफ टेस्ट आप माइक्रोफाइलेरियल टेस्ट कराएं, माइक्रोफाइलेरियल टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएंगे फाइलेरिया के कंडीशंस कि फाइलेरिया प्रेजेंट है उसके कारण तो डेवलप नहीं हो रहा है। ये है आपके इन्वेस्टिगेशन, ये जांच कराने से आपको पता चल जाएगा कि कैलुरिया क्यों हो रहा है, किस कंडीशंस में ये डेवलप हो रहा है। आइए बातें करते हैं ट्रीटमेंट के अबाउट, किसके क्या ट्रीटमेंट। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अर्निका, सीना, हाइड्रोकोटाइल, लिलियम टिग्रियम, कोलोसिंथ, ये सब कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि ट्रीटेड द कैलुरिया, कैलुरिया के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। मैनेजमेंट में आप इसनोफिलिक डाइट को अवॉइड करें, इसनोफिलिक डाइट ना लें, जैसे कि बैगन, दही, ठंडा पानी या कुछ ठंडा फल बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप इसे अवॉइड करें और ये कैलुरिया ठीक होते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये कैलुरिया के अबाउट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस इसके अबाउट आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।